भाजपा संगठन द्वारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वावधान में आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनजाति गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। इसी के दौरान यात्रा रविवार के दिन पुंजापुरा से प्रारंभ हुई, जो कि क्षेत्र के सभी गांव से होते हुए पांडू तालाब पहुंची। इसी दौरान किशनगढ़ फाटे पर टंटिया मामा बलिदान दिवस पर वीर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे द्वारा किया गया। उक्त यात्रा का आयोजन विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जनजाति समाज का जनसैलाब उमड़ा। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उक्त यात्रा के माध्यम से जनजाति समाज में जागृति लाना एवं शासन द्वारा जनजाति समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। जनजाति गौरव यात्रा का पाताल पानी में समापन किया गया। वहीं रविवार को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के नेतृत्व में 50 से अधिक बसों से क्षेत्र की जनता उक्त कार्यक्रम में पहुंचकर सम्मिलित हुआ। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ये यात्रा कहां पर जा रही है? टंटिया मामा की गौरव यात्रा है और हम लोगों ने गौरव यात्रा का जो हमारे शिवराज मामा ने जो व्यवस्था की है उसके अनुसार दो दिन से लगातार गौरव यात्रा शुरू हुई है। बागली विधानसभा में हम लोगों ने पूंजापुरा से 3 तारीख को सुबह शुरू हुए और किशनगढ़ फाटे पे हमारे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया, जो जयपुर से संगमरमर की प्रतिमा बुलाई और वहां पे भी बहुत जोरदार आयोजन हुआ। उसके बाद उदयनगर आदिवासी क्षेत्र में नाच गाने के साथ गौरव यात्रा का जुलूस निकाला गया और उसके बाद विशाल सभा पांडू तालाब में की गई, जिसमें कई वक्ताओं ने भाग लिया है। इसके साथ गौरव यात्रा को पाताल पानी में ले जाकर समापन हुआ है और आज सुबह से ही बागली विधानसभा की लगभग 45 बसें और सतवास और काटाफोड़ तक की बसें इधर पेड़मी होके इंदौर स्टेडियम में शिवराज मामा के भाषण सुनने के लिए और इस गौरव यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे आदिवासी बाहुल्य लोगों के साथ दूसरा सभी समाज के लोग भी आ रहे हैं और वो इंदौर जा रहे हैं और इसी वजह से आज हमने उनके स्वागत में यहाँ चाय पोहे की व्यवस्था इंदौर जिले की बाउंड्री पेड़मी गांव में यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से हमारे पेड़मी खंडेल जेतपुरा दांगी सेमलिया के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आकर हमारी मदद की है और बड़े रूप में बहुत उत्साहित है आदिवासी लोग और सभी आदिवासियों के गौरव यात्रा में अन्य समाज भी साथ में है। इसी के साथ टंटिया मामा की जय, टंटिया मामा की जय, टंटिया मामा अमर रहे, टंटिया मामा अमर रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।